ली है, तो चलिए। तो जिसने नहीं सुना हो दोस्तों, एक बार और सुन लो। चलिए दोस्तों, एक बार और ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये सोनी कॉर्डर की जो कि मॉडल नंबर है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं इसका मॉडल नंबर क्या है। ये देखिए, ये दोस्तों सोनी कॉर्डर CFS 1000S, बोले तो दोस्तों 1000S, या इसे आप 1000S भी कह सकते हैं। देखिए, और दोस्तों ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंट्रोल देखिए दोस्तों कितना आकर्षक और कितना सुंदर बनाया कंपनी ने। और दोस्तों इसका बेस, इस क्वार्टर का बेस सुनते ही बनता है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों इसका बेस। हालांकि कंपनी ने खास बड़े इसमें स्पीकर नहीं दिए हैं, ये लगभग 5 इंच स्पीकर इसमें दिए हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इसको घर पर बजाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने घर में कोई लगभग 10 इंची या 8 इंची के बेस स्पीकर बजाए हैं। तो ऐसा बेस है दोस्तों, इसमें बहुत ज़बरदस्त बेस है, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है, और इसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास है। और देखिए, और दोस्तों ये सेट भी देखिए 1987 में हमारे पास आया था, तो देखिए आज लगभग इसकी उम्र हो गई है, कोई इसकी उम्र आप समझ सकते हैं 40 के आसपास ही हो चली है। लेकिन दोस्तों इसके मजबूती और टिकाऊ की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, ये अभी भी आयरन मैन ही लगता है। देखिए पूरा, आप इसे आयरन मैन ही बोल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल ही टिकाऊ और बिल्कुल ही चमकदार। अगर इसे आप गलती से कहीं गिरा भी दे, फेंक भी दे, तो भी इसमें कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। देखिए, कोई कह सकता है 40 साल के बाद भी सोनी क्वार्टर की ये कंडीशन? ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और लुकिंग वाइज तो दोस्तों आप इसके फैन हो जाएंगे, बहुत प्यारा मॉडल है दोस्तों। देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा सेट पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बातों बातों में वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इसमें कोई गाना सुनना है, कुछ और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से चैटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों
हम इस तरह की वीडियो हम YouTube पर डालते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख सके, क्योंकि तब तक तो दोस्तों ये रहेंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों हम इसी उद्देश्य से वीडियो बना के डालते हैं ताकि थोड़ा लोगों का मनोरंजन भी हो, टाइम पास भी हो और लोगों को थोड़ी देखने को भी मिले और जानकारी भी मिले। तो दोस्तों अगर आप ऐसे कोई इसे लेना चाहता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कितने सुंदर नैन तुम्हारे ओ ब्रशभान दुलारी। मुझे तो दोस्तों इसी सेटिंग पर साउंड अच्छा लगता है सुनने में। बाकी कई लोगों को मैंने ये सारे ऊपर करके भी देखा है, सुनते हुए सारे ऊपर कर देते हैं जिससे कि साउंड जो इसकी जो सेट की जो ओरिजिनल साउंड निकलती है ठीक है, तो वो साउंड प्ले होता है इसको अगर ग्राफिक आप सारे ऊपर कर देंगे तो। और अगर आप इसे थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो फिर ये आपके मन मुताबिक बोले तो आपको किस तरह का साउंड पसंद है, मोटा पतला क्लासिकल या रॉक जो भी पॉप जो भी बोले जाते हैं आजकल की भाषा में, तो उस तरह से बन जाता है दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी बोले तो। ये दोस्तों ये फाइन ट्यूनर है, जैसे कि आप जब रेडियो आप बजाते हैं तो उसके साउंड में अगर आपको क्लियरिटी ना मिले और ये ट्यूनर है दोस्तों बड़ा प्यारा है दोस्तों, देखो इसको देखते ही बनता है। अगर आपका छेड़ने का मन ना हो तो भी छेड़ने का मन करेगा, देखिए कितना प्यारा है ट्यूनर रेडियो ट्यूनर। दोस्तों ये तो मेरी कोशिश थी कि आपको मैं इस सेट को नजदीक से दिखाऊं। यहाँ पर है दोस्तों इसका टेप रेडियो सिलेक्टर, देखिए ये देखिए ये अभी इस टाइम नीचे टेप पर है, अगर ऊपर करें तो ये रेडियो पर आ गया। चलिए इसे नीचे रहने देते हैं क्योंकि शोर हो रहा है। और ये रेडियो पर है, अब दोस्तों ये देखिए ये एफएम पर है, ये तीसरा बैंड, ये देखिए आपको समझने वाले दोस्तों इसकी टोन सुनकर कहते हैं कि इसमें रेडियो फुल वर्किंग है। चलिए मैं थोड़ा सा ट्यूनिंग करके भी दिखा देता हूँ आपको, इस वक्त ये एफएम पर है दोस्तों, तो मेरे घर में सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं पकड़ता है रेडियो, अगर मुझे रेडियो सुनना है तो इसे थोड़ा सा बाहर ले जाना पड़ता है। तो जो जानते हैं रेडियो को समझते हैं उनको पता है इसकी टोन से ही पता लग जाता है कि रेडियो इसमें फुल वर्किंग है। तो चलिए दोस्तों टेप की आवाज, इसके जो टेप रिकॉर्डर है
उसके साउंड की टेस्टिंग कर ली जाए। तो ये दोस्तों, ये देखिए बड़े प्यार से खुलता है ये। ये देखिए, आपको मैं इसके अंदर का भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या सिस्टम है इसमें। तो चलिए, ये कैसेट इसमें नीचे की तरफ लगती है और ये जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, ये स्टॉप इजेक्ट एक ही बटन से है। ये रिकॉर्डिंग है, ये प्ले है, ये रिवाइंड है, ये फॉरवर्ड है और ये पाउच है, पाउच। तो पाउच दोस्तों, उस टाइम जैसे गाना कोई चल रहा है और कोई अचानक अगर कोई इसे रोकना हो तो लोग पाउच इसको दबा दिया करते थे। तो हालांकि मोटर तो इसमें चलती रहती थी, लेकिन जो है कैसेट रुक जाती थी और इसके साउंड रुक जाता था, तो इसी लिए दिया जाता था ये पाउच। तो वैसे तो दोस्तों सब जानते हैं पाउच का क्या मतलब है। तो चलिए दोस्तों, प्ले करके देख लेते हैं। थोड़ा सा 2-4 सेकेंड ही मैं आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हम बजा सकते। तो आपको थोड़े में ही समझना है कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कानों में रस घोलने वाली है या फिर सिर में दर्द करने वाली है। तो चलिए, तो जिसने नहीं सुना हो दोस्तों, एक बार और सुन लो। और दोस्तों, जो भी भाई इसे लेने की इच्छुक है, तो दोस्तों मेरे पास ये एक ही पीस है फिलहाल। तो अगर आप इसे पसंद करते हैं और आप अगर इसे हमसे परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो अगर आपने इसमें कोई गाना सुनना है, कुछ और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से चैटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की वीडियो हम YouTube पर डालते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख सके, क्योंकि तब तक तो दोस्तों ये रहेंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों हम इसी उद्देश्य से वीडियो बना के डालते हैं ताकि थोड़ा लोगों का मनोरंजन भी हो, टाइम पास भी हो और लोगों को थोड़ी देखने को भी मिले और जानकारी भी मिले। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई इसे लेना चाहता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।